दोस्तों, अगर आप भी माइक्रोस्कोप से चीजों को देखने के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप से देखा है? और क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से हम इंसानों की जीभ कैसे दिखती है, और छोटी सी दिखने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप से कितनी भयानक दिखती हैं? और क्या आपको पता है इंसानों के स्पर्म माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो फिकर नॉट, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही बहुत सारी गजब की चीजों को माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंजेक्शन निडल। दोस्तों, हम सभी ने इंजेक्शन कभी ना कभी तो लगाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंजेक्शन को लगाते वक्त निडल हमारे शरीर में कैसे जाती है यह नजारा माइक्रोस्कोप से देखा है? और निडल निकालते के बाद यह कैसा दिखता है, और जिस जगह वो निडल लगता है वो हिस्सा माइक्रोस्कोप से कैसा दिखता है? आइए देखते हैं। जब निडल हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो माइक्रोस्कोप से आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये निडल हमारी स्किन को चीरते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और इसी निडल को बॉडी के अंदर से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह बड़ी दिखाई देती है। और इंजेक्शन को बॉडी के जिस भी हिस्से में लगाया जाता है, वो हिस्सा इंजेक्शन लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से अमेजिंग दिखता है। नंबर 2, वीर्य। अगर स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, वीर्य को माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्पर्म इधर उधर मूव करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे स्पर्म को अपने नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते। ये नॉर्मल आंखों से आपको थिक व्हाइट लिक्विड की तरह दिखता है। स्वस्थ व्यक्ति के 1 ml स्पर्म में लगभग 40 मिलियन स्पर्म होते हैं। दोस्तों, ये हर एक छोटे छोटे स्पर्म जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता, ये नया बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं, या इसे यूं समझ सकते हैं कि इन सभी को महिला के अंडे में मिला दिया जाए तो एक साथ 1 ml सीमन से ही 40 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं। है ना काफी इंटरेस्टिंग। नंबर 3, बॉल पेन। दोस्तों, आप सब ने पेन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, किसी ने महंगे तो किसी ने सस्ते, लेकिन इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पेन लिखने का काम कैसे करता है, यानी पेन वर्क कैसे करता है? अगर नहीं तो अभी जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप पेन के निचले हिस्से को, जिसे बॉल कहते हैं, उसे माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप माइक्रोस्कोप से देख पा रहे होगे कि पेन के नीचे छोटी सी बॉल लगी होती है, और पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है, लेकिन इसका घूमना हमारी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। और जब भी हम पेन से लिखते हैं तो इसी बॉल के घूमने की वजह से पेन का इंक इस शेप में बाहर आता है और हम लिख पाते हैं। है ना मजेदार। नंबर 4, फिंगरप्रिंट। दोस्तों, दुनिया भर में हर एक व्यक्ति के डीएनए अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब फिंगरप्रिंट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब फिंगर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम किया जाता है तो फिंगर पर बने लाइंस के साथ साथ उस लाइंस से निकल रहे पसीने भी हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि ये बारीक लाइन अलग अलग शेप साइज दिखा रहे हैं, और ये लाइंस हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, और यही वजह है कि हम सभी के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। नंबर 5, मानव जीभ। दोस्तों, जीभ हमारे शरीर का कोमल और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर ना तो कोई इंसान बोल पाएगा ना ही स्वाद ले पाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से इंसान की जीभ को देखें तो वो कैसे दिखेगी? अगर नहीं तो अभी देख लीजिए। दरअसल माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको अपने जीभ में कांटे की तरह बहुत सारी लाल लाल आकृति दिखाई देगी, जिसे आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन माइक्रोस्कोप से ये नुकीली कांटे बड़े ही आसानी से दिखते हैं। हालांकि ये नुकीले और लाल आकृति वाले कांटे जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाओं यानी कि टेस्ट बर्ड्स की होती हैं। दोस्तों, ये कांटे इंसान की जुबान पर तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जानवरों की जीभ पर ये कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं। नंबर 6, चींटी का चेहरा। दोस्तों, जमीन पर रेंगने वाली छोटी सी चींटी को भले ही आप आते जाते गलती से दबा देते हो, लेकिन अगर आप चींटी के फेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद डर जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर चींटी का छोटा सा मुंह बहुत ही विशाल और डरावना नजर आता है, जिसमें गोल गोल आंखें और उसके ऊपर मौजूद एंटेना भी साफ साफ दिखाई देता है, जो बेहद डरावना प्रतीत होता है। नंबर 7, पेड़ की पत्ती।
दोस्तों, स्कूल में आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, लेकिन कैसे? तो चलिए आपको खाना बनाते हुए दिखाते हैं। जब आप पेड़ की पत्तियों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इन पत्तों के ऊपर की ओर क्लियरली छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। इन्हीं छोटे छोटे छिद्र के जरिए सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है, जिससे पौधों को खाना बनाने के लिए एनर्जी मिलती है और वो खाना बनाते हैं, लेकिन पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल के माध्यम से। नंबर 8, कैंसर सेल्स। दोस्तों, आज के समय में कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप ले चुका है। जहां पहले कैंसर कम लोगों में पाया जाता था, अब कैंसर पेशेंट की तादाद काफी बढ़ गई है। हालांकि इसके लिए अब हमारे देश में इलाज भी मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर सेल्स माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो इस तस्वीर को ध्यान से देख लें। माइक्रोस्कोप से कैंसर सेल को देखने पर वह किसी रेशेदार और चिपचिपे पदार्थ की तरह दिखाई देते हैं, जो शरीर में फैलकर उसे कैंसर पीड़ित कर देते हैं। नंबर 9, कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस ये नाम आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इस वायरस के आतंक से बहुतों ने अपनों को खोया है। इस जानलेवा वायरस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके लिए हमने कोरोना वायरस के पेशेंट के मास्क को लिया है और उस मास्क को चलिए माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब इस इन्फेक्टेड मास्क को माइक्रोस्कोप में बहुत ही ज्यादा जूम करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में वायरस दिखाई देने लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। नंबर 10, दही। दोस्तों, क्या आपने दही को भी कभी माइक्रोस्कोप में देखा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो आइए दही को माइक्रोस्कोप से देखते हैं और जानते हैं कि ये बैक्टीरिया दिखता कैसा है। दोस्तों, जब दही को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो हम दही को खाते क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि दही में मौजूद बैक्टीरिया हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए हमें दही का सेवन करना चाहिए। नंबर 11, घास। दोस्तों, आपको याद होगा बचपन में घास को तोड़ने से कभी कभी हमारा हाथ भी कट जाता था, जिसके बाद हमें समझ नहीं आता था कि आखिर इस कोमल से घास से हमारा हाथ कैसे कट गया। तो चलिए इसकी वजह हम आपको माइक्रोस्कोप से दिखाते हैं। दोस्तों, माइक्रोस्कोप से हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन घासों के किनारे पर कितने खतरनाक कांटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड यानी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, और इन्हीं छोटे छोटे कांटों की वजह से हमारा हाथ कट जाता है। तो दोस्तों, बचपन की उलझने आज सुलझ गई होंगी। नंबर 12, मसल्स टिश्यू। दोस्तों, एक इंसान के लिए उसके खुद के शरीर को अंदर से जानने से ज्यादा और कोई चीज दिलचस्प नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने ही शरीर के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी मसल्स टिश्यू को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो वह आपको काफी हद तक इस तस्वीर की तरह दिखाई देंगे। इंसान के शरीर में मौजूद टिश्यूज छोटे छोटे तारों के बंडल जैसे नजर आते हैं, जो बेहद विचित्र प्रतीत होता है। नंबर 13, साल्ट। दोस्तों, हर घर में इस्तेमाल होने वाला नमक दिखने में भले ही बहुत बारीक हो, लेकिन माइक्रोस्कोप से इसकी छवि बहुत ही अलग दिखती है। आइए साथ में देखते हैं। अगर आप नमक के कणों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वह काफी हद तक पत्थर के ब्लॉक यानी स्क्वायर शेप में दिखाई देंगे, जो कि काफी अनबिलीवेबल है। नंबर 14, मिट्टी के कण। दोस्तों, अगर आप रेगिस्तान में पाई जाने वाली रेत को मामूली समझते हैं तो आपको उसे एक बार माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है। हमारी नॉर्मल आंखों से तो रेत के सभी पार्टिकल बिल्कुल बराबर शेप में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप उसी रेत को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये रेत ही है, क्योंकि ये पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप में बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। वहीं सभी पार्टिकल अलग अलग साइज के भी होते हैं। नंबर 15, चौक। दोस्तों, आपने स्कूल में टीचर को चौक का इस्तेमाल करते हुए देखा ही होगा। इसे और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लंबी और सफेद रंग की ये चौक माइक्रोस्कोप से कैसी दिखाई देती है? अगर नहीं तो आइए देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर चौक की यह खूबसूरत डिजाइन वाली आकृति दिखाई देती है, जो किसी डिजाइनर बॉल की तरह लगती है। नंबर 16, ह्यूमन आई। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आंखों के बगैर हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी, लेकिन क्या आपने कभी आंखों को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आंखों को माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर हमारी आंखों के बीच में एक बहुत ही बड़ा काला होल दिखाई देता है, लेकिन ये कोई होल नहीं बल्कि हमारी आंखों के लेंस है,
जो देखने में इतने विचित्र दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इम्पोर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।